चुपचाप घर बैठे छोड़ो, कैंसिल कर दो छोड़। अबे यार किस्मत ही इतनी बुरी। फटा मैं भाई टायर कहाँ भाई, दिख नहीं रहा कोई। लग गए समझे। क्या करे, कौन सा पंचर? उधर वाला, इधर वाला, ये फ्रंट वाला। हाँ, फ्रंट वाला लेफ्ट खत्म। भाई देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन सुनना चाहोगे? नहीं। या तो एक हम चुपचाप घर बैठ जाए छोड़ो, कैंसिल करते हैं शूट, या फिर 5 मिनट मेहनत करके हवा भर लेते हैं। आई थिंक पहला सही है। बड़ा हरामी हो बेटा। ये रहा भाई पंप भी कौन सा है। ऐसे कपड़े डाल के कौन हवा भरता है? कम करा, मेरे को लगा थोड़ी सी कम होगी तो भर लेंगे भाई, तो फट ही गया पूरा। फटा है भाई टायर। ट्राई कर लेते हैं एक बार और, क्या ऑप्शन भी नहीं है कोई। उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज होती है, लोग क्या बोलते हैं ये सब स्क्रिप्टेड रहता है। अबे यार किस्मत ही इतनी। चलो स्क्रिप्टेड खुद देखो भाई, इधर आना, इधर यार इधर आना, देखो पसीना। भाई थैंक गॉड घर के पास आके पता लग गया, और मालूम भाग जाते हैं। और टाइम देखो ये भैया क्या सीन है, अब पसीने से नहीं हो गए भाई। सो गाइस चेंज ऑफ प्लान, अब जा रहे हैं एक्टिवा पे, बैक टू ओका। सबसे अपने अपने बैग। भाई पसीना देख रहे हो, कौन है भाई वो जो बोलते हैं शूट करना आसान है? कहाँ भाई, दिख नहीं रहा कोई। आज मुझे इस तरीके से आया, मेरे को ऐसा लगा भाई जैसे मैं पहले बहुत पहले आता था ना, जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी ना, मैं स्कूटी पे आता था, मेरे साथ मेरा दोस्त भी नहीं, ऐसे हम कहीं भी निकल जाते थे, मैं स्कूटी पे निकलो 5-10 मिनट में जहाँ पे पुलिस ना हो बस वहाँ से निकल, बस वहाँ जाना है हमको। तो इस वाले खंडर में सोचा था हमने, लेकिन अफसोस हमें डर लग रहा था चढ़ने में। और ये खुद ऐसे कैसे अटका रहा था भाई, ये देखो ये कैसे अटका रहा था एक ईंट पे, कहीं हम चढ़े और गिर गया तो खत्म। ये लोकेशन भी कैंसिल। भाई फाइनली हमने जो लोकेशन चूज किया है, इट्स नन अदर देन रोड। इससे सिंपल और इससे बोरिंग जगह कोई हो सकती है क्या? मतलब देख रहे हो घर से ऐसी प्लानिंग करके निकले थे कि भाई आज शूट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फाइनली घर के पीछे एक रोड थी वहीं पे आ गए। थैंक गॉड कि ये रोड खाली रहती है। ट्राई करते हैं भाई आ जाएगा कुछ ना कुछ तो बढ़िया आ जाएगा है ना, और वैसे भी ये तो हमारा काम है। तो गाइस फाइनली हमारा बंदा नंगा हो चुका है। ओ गाइस आप इसके डोले देखो, डोले। चलो भाई फाइनली स्टार्ट करते हैं अपना फोटो शूट इस जगह पे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है भाई, मैं मर गया पसीने से। अरे मेरे पास पहला आइडिया, जैसे हम पूरे मैं ब्लैक एंड व्हाइट कोट पहन लिया मोनोक्रॉप सा होगा पूरा, तो मैं इस वाइट वाले उस पर जाऊँगा, तो कैसे लगा इसके? एक बार और वो बढ़िया नहीं आया यार, एक काम करते हैं मैं इस पे बैठ जाता हूँ नीचे, ऐसा कुछ करना टॉप एंगल्स में तो दिखा देगा सीधे, ये मतलब पूरी रोड ही रोड है। एक काम करो भाई, मेरे माइंड में एक आइडिया आया, तुमने इस पे बैठना, लेकिन तुमने ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े नहीं पहन रखे,
मतलब आ जाए, ये देखो प्योर ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए बैकग्राउंड में ना। एक काम करो, यहाँ से लाइट मस्त आ रही है, तो पीछे बैठे पीछे जाना बस। भाई अब आ चुका है 16mm लेंस पर और इससे कुछ वाइड एंगल फोटोज क्लिक करते हैं इस प्लेन सी रोड पे। तो हिमांशु भाई मैंने कुछ चारों एक्सी वाली फोटो है, मैं तुम्हारी क्लिक करते हैं कैसे कुछ अल्लाह इस रोड पे तुम तो कुछ भी ऐसा हाई एक्शन में हाई फ्रेम में क्लिक करो। बढ़िया भाई, एक बार ना मेरी ऐसे क्लिक करना भाई, वो भागने वाली टाइम भाई आजु दैट इज इट गाइस। यहाँ पे काफ़ी अच्छी फोटोज हमने क्लिक कर लिए बिना प्लान के, मतलब हमने ये प्लान नहीं किया था यहाँ पे कि रोड पे शूट करेंगे, बट फिर भी हमने रोड के हिसाब से आउटफिट भी पहन रखे थे, लेकिन फिर भी फोटो काफ़ी अच्छी आ चुकी है। आई थिंक आपको वैसे कौन सी फोटो सबसे अच्छी लगी कमेंट करके जरूर से बताना, एंड मुझे वैसे ये वाली फोटो पर्सनली बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें हमने कुछ अलग सा किया था और वाइड एंगल की तो बात ही अलग है भाई साहब। तो ये सारी फोटो देखने के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एंड वहाँ मेरी फोटोज देख सकते हैं, बाकी कुछ फोटो शूट के BTS और कुछ और हम डालते हैं इंस्टाग्राम पे, आप देख सकते हो वो सब कुछ। एंड मैं तो आपसे ऐसी मल्कि वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।